नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा और आज आप देख रहे हैं सुजला वायरल। सुजला वायरल आज आपको लेके आए तवरा गांव में। तो हम आज आपको बताएंगे कि तवरा गांव में किस किस प्रकार की समस्या है। तो जनता से हम समस्याओं के बारे में निष्कर्ष करेंगे और जानेंगे कि तवरा गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। आप बताओ तवरा गांव में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? समस्या एक तो रामदेजर मिंदरगन पानी को आज समस्या हो रही है। तो एक गांव के माने हॉल छोटे मांगे फाड़ी पर जो सगड़ा कुंड हाल है मकान हाल है आ समस्या भेज जाए। अब कतिवारी कोई की दरखास्त दे दी इसको सो क्यों कर दिया पर ओ बहुत समस्या मां का। तो इस समस्या ने थे लिखित में दी के लिखित में दी ज्यादा ही दे दी कई बार दे दी नागौर कलेक्टर तक पहुंच गया। अब नई समस्या हल हो जाना काई कराई। और आपको नाम का ही है? मारा नाम घिसाराम है मेघवाल घिसाराम मेघवाल। ये उप सरपंच रेडा हो गए यहां पे भूतपुरा उप सरपंच रेडा। मेरा नाम रामावतार शर्मा है और गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे एक तो पशु चिकित्सालय नहीं है। इतने गांव में पशु है लेकिन एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि गांव में सड़कें तो बन गई है गंदड़ी से लेके सीकर तक लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है किसी को। तो हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक से कि वो यहाँ पे किसानों को मुआवजा दिलाए क्योंकि खेतों से सड़कें निकल गई लेकिन किसान आज भी ये चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और दूसरी यह है कि रामदेव जी मंदिर के पास अभी बताया था उप सरपंच साहब ने कि गंदा पानी है गंदे नाले की गंदे पानी की विकास की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पानी भरा रहता है खूब चारों ओर सड़कें हैं जिसकी नीची हुई बैठी हुई है और अवैध ब्लास्टिंग की हो रखी है समस्या। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अवैध ब्लास्टिंग हमारे गाँव तमरा में है नागौर तक कलेक्टर तक सभी जगह जाकर आए हैं लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और उम्मीद कर रहे हैं कि नवनियुक्त सरपंच इसमें कुछ करेंगे उम्मीद तो है गांव को लेकिन समस्याएं गंभीर बनी हुई है। तो ये जो अवैध ब्लास्टिंग हो रही है तवरा गांव से कितने दूर है? तवरा गांव के पास नजदीक है स्कूल है और है यहाँ के पास में ही है अवैध ब्लास्टिंग हो रखी है पास में हो रखी है। और अभी बताया था आपको कि पशु चिकित्सालय है नहीं गांव में। जब 2004 में ठाकुर साहब जीत के आए थे तब से गांव की एक मांग थी कि गांव में पशु चिकित्सालय बने लेकिन अभी तक तो गांव में पशु चिकित्सालय बना नहीं है। हमारे गांव के माने जो गऊ के लिए गौचर है उसमें गौचर बिल्कुल ही नहीं है। सब में कब्जा हो गया है 10-10 बीघा का लोग कब्जा कर रखा है। अब सब अवैध है कोई वहाँ ये नहीं है कोई नहीं उठाता है नहीं कोई आता है नहीं कोई प्रशासन को सबको बोला हुआ लेकिन कुछ उसकी समस्या नहीं। मरे हुए पशु को क्या मरु ये नहीं गौचर गौचर भूमि है अवैध कब्जा है 5-5, 7-7 बीघा का कब्जा कर रखा है। अच्छा। तो हटना चाहिए कम से कम अवैध कब्जा है। अच्छा। हाँ जो जस्ता है वो जाके 5 बीघा में कब्जा कर लिया जो जाता है वो 2 बीघा में कब्जा कर लिया। सबके जमीन है घर है गुआड़ी है लेकिन वो सब जाके गौचर में कब्जा कर कब्जा किसने कर रखा है? गाँव वालों ने कर रखा है आबादी तो है घर में जगह भी है। हाँ। जगह न हो तो देखते हैं भाई इसके जगह नहीं है वो कहाँ जाएगा। हाँ। लेकिन जगह है एक आदमी है घर में वो फालतू पड़ा है वो भी जमीन है और फिर 5-5 बीघा कब्जा कर रखा है सब अवैध कब्जा है वो हटाना चाहिए। गायों के लिए हाँ। दिक्कत हो रही है गौचर है नहीं बिल्कुल ही नाम जो है कचरा नंबर में वो खाता में देखने बहुत है गौचर लेकिन गौचर बिल्कुल ही नहीं है गोचर की समस्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। और ये गांव की समस्या लगभग सभी को मालूम है। एक तो पानी की अवैध निकासी जैसे निकासी नहीं हो रही है रामदेव जी का मंदिर हर घर के बाहर गंदा पानी है और एक ये जो गौचर भूमि पर अवैध कब्जे हो रखे हैं जैसे 200 घरों के लगभग कब्जे हैं। पहला कब्जा बेच देते हैं दूसरे पे वो आगे बढ़कर कब्जा कर लेते हैं। गाँव के लिए दिक्कत हो रही है हर साल इसलिए हर तरह की समस्या हो रही है। किसी को कहते हैं तो अवैध कब्जों वाले के साथ हो जाते हैं बोलते हाँ उनका उन्हीं का ज़्यादा सपोर्ट होता है कब्जे वाले के साथ होकर सपोर्ट का तो साधन है जाल बिछ गया लेकिन आने जाने का साधन बसों का साधन नहीं हुआ है। जैसे सुजानगढ़ में जाने में दिक्कत होती है लाड़नू जैसे तहसील है उसमें जाने में दिक्कत होती है लेकिन कोई साधन है जैसे किसी के साथ लोकल साधन वो तो चले जाते हैं लेकिन नॉर्मल आदमी उनको साधन नहीं मिलता है इसलिए उनको समस्या होती है किसी के साथ जाना या पैदल जाना
हाईवे भी है, मतलब कहाँ से जुड़ा हुआ है ये हाईवे? जैसे नोका से सिक्कर का हाईवे जुड़ गया है, जिसमें जसूनगढ़ से गंडेड़ी का जो नजदीक मारे गए वो भी बन गया है। रोडू लोड सरे ये सब साधन है। तो रोडवेज प्राइवेट दोनों बसें नहीं आती? दोनों बस नहीं आती, सिर्फ दो बस आती है जो कि ये सुबह सुबह आती, शाम को आती नहीं है। प्राइवेट है वो भी, रोडवेज बस नहीं आती है। और ज़्यादातर हर घर के सामने के अवैध जैसे पत्थर डाले हुए हैं हर घर के अंदर, जैसे साधन पास से गुजरने में दिक्कत होती है। कितने सालों से ये समस्या? ये समस्या 15-20 सालों से हो रही है। अच्छा, तो सरकार आती है तो वादे करती होगी? वादे तो करती है, लेकिन जैसे रोडवेज दो बार चली थी वापिस बंद हो गई थी। और पानी का भी साधन, जैसे पानी तो आता है लेकिन हर घर के सामने कादा कीचड़ हो रहा है, और जैसे बीमारियों का भी होने का भी डर है। नालियों का साधन नहीं है और समस्या जैसे सबके सामने हो रही है, दिक्कत है। हाँ। आप अपना नाम बताएं और थवरा गांव की समस्या के बारे में आप बताएं। समस्या है, जगह जगह पानी भर रहा है, आने जाने के लिए बहुत अवरोध है। नाम आपका? मूलाराम ठिकाने के। बच्चा स्कूल जाने वाला के लिए बहुत परेशानी है। सड़क लेवल और पानी को लेवल लेकर सड़क बनानी चाहिए। उनकी सड़क जो बनाई वो गलत तरीके से बनाई गई, पीछे पहले बनाई हुई है क्या सर? बनाई है वो, बहुत नीचे बना दी, इसलिए पानी भरने की वो समस्या बची है। तो और बाकी गांव में खुलेआम शराब बिकती है, वो भी परेशानी बहुत ज़्यादा है, वो भी बंद होनी बहुत ज़रूरी है। गाँव के अंदर खुलेआम बिकती है? खुलेआम बिकती है, कोई उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। 100 रुपये में देता है, कोई 20 में बेच देता है, कोई 10 में दे देता है, कोई इनका कंट्रोल नहीं है। तो गांव वालों ने विरोध किया है? किया है, हम लोग कर रहे हैं, सारे आदमी विरोध में ही हैं, इसलिए है। तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला? निष्कर्ष नहीं निकला, कोई पूछता ही कोई सुनाई नहीं करता, आता है वो ऐसे ही निकल के चला जाता है बस, ठीक है। तो कोई समाधान होना चाहिए, इसलिए ऐसा है।